अक्षर के नाम की अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। सुनो राम कथा और जय बोलो श्री राम की। सुनो राम कथा और जय बोलो श्री राम की। मंगल भवन अमंगल हारी सुदशरथ अजिर बिहारी है सुफल दायिनी रामायण सुखधाम की। है सुफल दायिनी रामायण सुखधाम की। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। सुनो राम कथा जय बोलो श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आप वही रुकिए, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। पर मेरी आपसे एक विनती है भाभी कि भैया की अनुपस्थिति में आप स्वयं भी इस रेखा को लांघना नहीं। लीजिए मुनिराज, भोजन लीजिए। यहीं ले आओ देवी, यहीं ले आओ। आपको ही कष्ट करना पड़ेगा महात्मा। देवी बहुत थक गया हूं, वहां तक उठकर आना संभव नहीं। जो कुछ लेके आई हो यहीं ले आओ। भगवान, आपको ही कष्ट करना होगा क्योंकि मेरे लिए सीमा है जिसका उल्लंघन मैं नहीं कर सकती। देवी, आप किन संस्कारों में पली हैं मैं नहीं जानता, परंतु हमारे देश की संस्कृति द्वार पर आए हुए अतिथि को भगवान मानती है, और आप हमें भोजन न देकर हमारा निरादर कर रही हैं। ऐसा पाप मैं कभी नहीं कर सकती मुनिराज, मैं मर्यादा से बंधी हूँ। मेरे देवर मेरी सुरक्षा के लिए यहाँ पर एक सीमा रेखा बनाकर गए हैं। जिसे बाहर मैं नहीं जा सकती क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी शपथ दी है। कृपया आप बुरा ना माने। बुरा व्यवहार कर रही हो देवी,
पर कह रही हो कि बुरा ना मानो। पहले हमें कुटिया के अंदर आने से मना किया और अब ये रेखा से बधा हुआ भोजन देना चाहती हो, जैसे हम कोई पशु पक्षी हैं। देवी अतिथि देवो भव, ये मानकर हमारे चरण धो, फिर हमें भोजन करवाओ, हमारी सेवा करो, हम ये नहीं चाहते। परंतु हम ऋषि हैं, तिरस्कार सहन नहीं कर सकते, नहीं चाहिए हमें भोजन, जा रहे हैं हम तुम्हारी द्वार से भूखे पेट। नहीं मुनिराज, रुक जाइए, मुझे पाप का भागी ना बनाइए। जी मुनिराज, भोजन ग्रहण कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। क्या ललाट है, अवश्य किसी राजघराने से हो देवी। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? मिथिला नरेश, महाराज जनक की पुत्री हूं मैं। ओहो, मिथिला नरेश की राजकुमारी और इस अवस्था में, राज महलों में पली, इस कुटिया में अपना यौवन क्यों नष्ट कर रही हो देवी? तुम्हें तो इस त्रिलोकी के किसी राजा की पत्नी होना चाहिए। मेरे लिए मेरे पति त्रिलोकी के राजा ही है और उनसे बढ़कर कोई भी वीर इस सृष्टि में नहीं है। अपना पति सबसे प्यारा, किंतु वीर वही है देवी, जिसके नाम से संसार के सभी प्राणी थर्रा उठे, जिसकी आज्ञा से सूर्य चंद्र आदि ग्रह चलायमान हो, जिसके सामने ब्रह्मा और विष्णु भी शस्त्र उठाने की हिम्मत न करे। कौन है वो? लंकापति रावण। तुम्हारे सामने खड़ा है सीते। रावण, तुम कपटी। अपना मंतव्य पूरा करने के लिए कुछ भी करना पड़ता है सुंदरी। तुम्हारी सुंदरता का वर्णन मेरी बहन सुर्फनखा ने जो किया था, उससे कहीं अधिक तुम सुंदर हो। तुम्हें देखने के लिए मैंने साधु का रूप धारण किया, अब तुम्हें पाने के लिए स्वयं त्रिलोक विजेता रावण तुम्हारे सामने नतमस्तक है। सुंदरी, अब मैं तुम्हें इस वन में, इस घास फूस की कुटिया में नहीं रहने दूंगा। अब तुम सोने की लंका की राजमहल में रहोगी, रावण की पटरानी बनकर। बस, अब एक भी शब्द अपने मुंह से ना निकालना, चुपचाप यहां से चले जाओ,
यदि अपना जीवन चाहते हो तो, अन्यथा मेरे पति अपने एक बाण से तुम्हें और तुम्हारे सोने की लंका दोनों को भस्म कर देंगे। हे कमल लोचने, तुम हम राक्षसों की शक्ति नहीं जानती। खर और दूषण, ये दोनों तुम्हारे ही भाई थे ना? 14,000 राक्षसों के साथ इन दोनों का अंत कर दिया था मेरे पति ने। तुम्हारी राक्षसी ताड़का, उसका भी अंत मेरे पति ने ही किया था। अभी तुम यहां से नहीं गए तो अपने आप को त्रिलोक विजेता मानने वाले रावण तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे वंश का अंत कर देंगे मेरे रघुवीर। तुम्हारी भलाई इसी में है कि मेरे पति और मेरे देवर के आने से पहले पहले तुम यहां से भाग जाओ। भागेंगे सुंदरी, लेकिन तुम्हें अपने साथ लेकर। हट जाओ मेरे रास्ते से। मैंने कहा ना, ये घास फूस की कुटिया तुम्हारे लायक नहीं। चलो मेरे साथ मेरे राजमहल में। कभी नहीं। स्त्री एक बार अपनी मर्यादा रेखा को लांघ जाए तो फिर वापस लौटना असंभव है सुंदरी। अब इस घास फूस की कुटिया को सदा के लिए भूल जा। मेरा विमान तुम्हें समुन्दर पार लंका द्वीप ले जाने के लिए तैयार है। चलो मेरे साथ। अब तुम्हें रावण से कोई नहीं बचा सकता। जय श्री राम। जय श्री राम। अय्या 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 राम भैया। लक्ष्मण, तुम यहां? मैंने तुम्हें सीता की सुरक्षा के लिए वहां रुकने को कहा था ना? कहा था कि किसी भी दशा में तुम सीता को अकेले नहीं छोड़ोगे। क्षमा करें भैया, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैंने भाभी को मना कर दिया था कि मैं उन्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, परंतु वो आपकी पुकार सुनकर इतनी भयभीत हो गई थी कि उन्होंने कठोरता से मुझे वन में आने के लिए विवश कर दिया। वो मेरी पुकार नहीं थी लक्ष्मण,
तुमने सत्य कहा था लक्ष्मण, उम्रेख मायावी राक्षस मारीच था। मरते मरते उसने मेरी आवाज में तुम्हें सहायता के लिए पुकारा, तभी मैं समझ गया था कि हमारे साथ छल किया जा रहा है। लक्ष्मण, तुम्हें तत्काल कोठी पहुंचना चाहिए। रघुनाथ, मेरी रक्षा कीजिए रघुनाथ, रघुनंदन मेरी रक्षा कीजिए रघुनाथ। आर्या, लक्ष्मण भैया, रघुनाथ मेरी रक्षा कीजिए रघुनाथ, मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए रघुनाथ। ओ मूर्ख, ठहर जा। रोक अपने इस विमान को, मेरे स्वामी की पत्नी को कहां ले जा रहा है? जानकी बेटी, घबराना नहीं, मैं आ रहा हूं। हे महात्मा जटायु, मेरी रक्षा कीजिए। यदि आप वृद्धावस्था के कारण मेरी सहायता नहीं कर पा रहे तो वन में जाकर मेरे पति और मेरे देवर को मेरी सूचना दीजिए। वृद्ध हुआ तो क्या हुआ पुत्री, जब तक मैं जीवित हूँ ये रावण तुम्हें नहीं ले जा सकता। अपने आप को पराक्रमी कहने वाले रावण एक निसहाय स्त्री को बलपूर्वक उठा के ले जाने में तुम्हें लाज नहीं आती? इस विधेय कुमारी को यहीं छोड़ दो, ये धर्म परायण और प्रतिव्रता स्त्री है, इसका शाप मिला तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। बूढ़े जटायु, तुम्हारी धर्म शिक्षा की मुझे आवश्यकता नहीं, जाओ जाकर आराम करो। मैं जटायु हूं किंतु मृत्युशैया पर होने के बाद भी किसी अधर्मी और अभिमानी को किसी के साथ अधर्म करते देखूंगा तो एक बार अवश्य झपट पड़ूंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए। मैं नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हारे सभी मार्ग रोक दूंगा। तुम क्यों व्यर्थ अपने प्राण गंवाना चाहते हो? हट जाओ मेरे रास्ते से, नहीं तो एक ही वार में तुम्हारे प्राण ले लूंगा। मुझे मेरे प्राणों से अब कोई मोह नहीं रहा, किंतु तुम्हें जनक नंदिनी को नहीं ले जाने दूंगा। मैं तेरा अंत ही कर देता हूं। हे भगवान, अब क्या करूंगी, कोई सहायक नहीं रहा, ना जाने रघुवीर कहां होंगे, मुझे बचाइए, मुझे इस दुष्ट रावण से रक्षा कीजिए रघुनाथ। जय श्री राम।
श्री राम। सीते सीते भाभी सीते। जिसका डर था वही हुआ लक्ष्मण। सीता अंदर नहीं है, कदाचित नदी किनारे गई होंगी। नदी किनारे? परंतु सीता नदी किनारे अकेले नहीं जाती। तो फिर फूल तोड़ने गई होंगी। ठीक है, तुम नदी किनारे देखो, मैं उद्यान में देखता हूं। परंतु ये फल इस तरह लक्ष्मण अवश्य कुछ अनहोनी हुई है। चलो सीते भाभी सीते भाभी। हे वन के वासियों, मेरे पति मुझे ढूंढते हुए यहाँ आए तो उन्हें ये आभूषण दिखाकर कह देना, निर्दोष रावण मुझे उठाकर ले गया है। तुम्हारा पति तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक तो आएगा नहीं, सोचेगा किसी वन पशु का भोजन बन गई तुम। और अगर यहाँ तक आ भी गया तो जहाँ मैं ले जा रहा हूँ वहाँ का पता कौन बताएगा? मेरे पति मेरी सहायता के लिए आकाश पाता लेक कर देंगे, तुम मुझे कहीं भी लेकर जाओ। अपनी सीता को ढूंढते हुए मेरे रघुवीर कहीं भी पहुंच जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। रघुनाथ मेरी रक्षा कीजिए, रघुनाथ मेरी रक्षा कीजिए।